आज की इस कहानी में हम बात करेंगे समुद्र की गहराइयों में रहने वाले एक मेरमेट्स के परिवार के बारे में, जिन पर इंसानी खतरा बढ़ रहा था। इसके बाद एक मेरमेट्स लियो चैन नाम के एक इंसान से प्यार करने का नाटक करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे सचमुच का प्यार हो जाता है। दरअसल सैन नाम की वह मेरमेट्स अपने परिवार को बचाने के लिए लियो से प्यार करने लगी थी। क्या इसके बाद उस मेरमेट्स का परिवार इंसानों के हमले से बच पाया था, चलिए जानते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से इंसान अपने स्वार्थ के लिए धरती की नेचुरल चीजों को बर्बाद कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और इस इंसान को दिखाया जाता है जो लोगों से 10-10 रुपए लेकर अमेजिंग चीजें दिखाने का दावा करता है, लेकिन जब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वो महज खिलौने होते हैं। अपने आप को बेवकूफ बनता देख लोग उससे अपने पैसे वापस करने के लिए कहते हैं। वेल, मूवी में इस सीन को शायद इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इन लोगों में सैन नाम की एक मेरमेट्स भी होती है जो इंसानों जैसी पोशाक पहनकर इंसानों के बीच घूमती है, जिसे वह इंसानों के बीच रहकर इंसानों के व्यवहार के बारे में सीख पाए। इसके बाद अगली सीन में दिखाया जाता है कि एक आइलैंड की बोली लग रही होती है। दरअसल ये वही आइलैंड होता है जिसके पास समुद्र में एक सीक्रेट जगह पर मेरमेट्स का परिवार रहता था। इस आइलैंड को लियो चैन नाम का एक अमीर शख्स खरीद लेता है और आइलैंड खरीदने की खुशी में लियो अपने घर एक पार्टी रखता है। पार्टी शुरू होने से पहले लियो से मिलने एक शख्स आता है जिसके साथ रोलिन नाम की ये लड़की होती है। ओवरऑल मूवी की बात करें तो रोलिन मूवी में मेन विलन होती है और ये शख्स रोलिन का बॉस होता है। ये शख्स लियो से कहता है, इस नए प्रोजेक्ट में आप रोलिन के साथ काम कीजिए और दोनों मिलकर खूब मुनाफा कमाएंगे, क्या कहते हो? इस पर लियो कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है। दरअसल रोलिन और उसका बॉस उस आइलैंड पर बनने वाले थीम पार्क पर अपना कंट्रोल चाहते थे ताकि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा रोलिन की कंपनी को जाता। खैर, बातचीत से जब बात नहीं बनती तब रोलिन उसके साथ झूठे प्यार का नाटक करती है। पार्टी चल ही रही थी तब रोलिन लियो के पास जाती है और लियो से प्रोजेक्ट से होने वाले मुनाफे का सपना दिखाती है। साथ ही लियो की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती है जिससे लियो उसकी बातों में फंस जाता है। दोनों गपशप कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर सैन आ जाती है। सैन को लियो के गार्ड्स पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, तभी लियो अपने सेक्रेटरी से उस लड़की के बारे में पूछता है। उसका सेक्रेटरी कहता है, ये मेहमानों के लिस्ट में नहीं थी और इसे कोई यहाँ जानता तक नहीं है। लियो उसे बाहर छोड़ आने को कहता है, लेकिन जाते जाते सैन लियो को अपना फोन नंबर देती है और फोन करने के लिए कहती है। इसके बाद सैन अपने घर यानी समुद्र के उस सीक्रेट जगह पर चली जाती है जहाँ उसके बाकी साथी इंसानों से छिप कर रह रहे थे। इधर अगली सीन में दिखाया जाता है, लियो के आइलैंड प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन चल रही थी। यहाँ लियो को बताया जाता है कि समुद्र में उसकी कंपनी एक स्ट्रॉन्ग सोनार सिस्टम इंस्टॉल करेगी जिससे इस सोनार की रेंज में आने वाले सभी समुद्री जीव मछली की तरह नष्ट हो जाएंगे। इस आइलैंड के पास में ही पुराने टूटे जहाज में बाकी बची जलपरियों का परिवार रहता है। इधर दिखाया जाता है कि सैन अपने साथियों के साथ पानी में तैर रही थी। इसके बाद वो सब एक बूढ़ी मेरमेट से बातें सुनते हैं जिसमें वो बूढ़ी मेरमेट इंसान कितने खतरनाक होते हैं इस बारे में बता रही थी। इस बीच उनका लीडर आता है जो आधा इंसान आधा ऑक्टोपस होता है। दरअसल वो सबको अपने प्लान के बारे में बता देता है। उनका प्लान लियो को मारने का था। उन सभी मेरमेट्स को लगता था अगर लियो को मार दिया जाए तो ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और उस खतरनाक सुनार से उनकी नस्ल बच जाएगी। इसके लिए वह सैन को मोहरा बनाते हैं, लियो से पार्टी में जाना और उसे फोन नंबर देकर कॉल करने को कहना। दरअसल वो सब प्लान का हिस्सा था। मेरमेट्स के लीडर को लगता था जब कॉल होगी तो मुलाकात होगी और फिर सैन उसे मिलने के लिए आइलैंड पर बुलाएगी, यही उनको मार दिया जाएगा। वेल, यहाँ पर लियो की कॉल का सब लोग वेट कर ही रहे थे कि इधर लियो रोलिन को जलाने के लिए उसके सामने ही सैन को कॉल कर देता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो अपना एड्रेस बताती है। इसके बाद सब उसे मारने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। सैन दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाती है वो देखती है उसे लेने के लिए खुद लियो नहीं बल्कि उसके गार्ड्स आए हैं। अब तो उनके प्लान पर पानी फिर चुका था। सैन चली जाती है, यहाँ उसके सामने पानी के ग्लास रखे जाते हैं। वह तुरंत एक ग्लास में जहर डाल देती है। इसके बाद वहाँ लियो के पहले उसका सिक्योरिटी इंचार्ज आकर सिक्योरिटी चेक करता है। इसके बाद उसे पानी पीने के लिए कहता है। जहर वाला पानी वह खुद पीता है और इसके बाद वह जमीन पर गिर जाता है। सैन तुरंत वहाँ रखी शराब उसके मुंह में डाल देती है जिससे वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। दरअसल वह मेरमेट्स का खास तरह का एक जहर होता है जिसका असर शराब पीने से समाप्त हो जाता है। इसके बाद सैन वहीं पर लियो को देखती है और उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। वहां सैन उसे कई बार मारने की कोशिश करती है लेकिन हर बार उसका दांव उल्टा पड़ जाता है। तभी गलती से गोल्फ स्टिक से उसे चोट लग जाती है। सैन जमीन पर गिर जाती है। होश में आने के बाद लियो उसे कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही फोन किया था, तुमसे मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो ये पैसे रख लो और अपने घर लौट जाओ। सैन कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुम्हारे साथ तंदूरी चिकन खाना है। इस पर वो और गुस्सा हो जाता है लेकिन कुछ सोचने के बाद वह सैन के पास जाता है और उसे एक अच्छी लड़की बताते हुए तंदूरी चिकन खाने के लिए राजी हो जाता है। सैन उसे उस ढाबे में ले जाती है जहां वह पहले भी तंदूरी चिकन खाया करती थी। लियो इतना अमीर होने के बाद इस तरह से ढाबे पर खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था लेकिन सैन की मासूमियत और भोलापन की वजह से उसका गुस्सा उतर चुका था। अब मजे से सैन के साथ वह टाइम स्पेंड करने लग जाता है। इस बीच उसे ध्यान नहीं रहता कि उसकी नकली मूंछ निकल चुकी है।
हैं। इसके बाद सैन और लियो दोनों खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद लियो सैन को उसके घर तक छोड़ने जा रहा था। इधर सैन सोच रही थी अगर लियो घर पहुंच गया तो उसके साथी उसे मार देंगे। मतलब सैन अब लियो से सचमुच का प्यार करने लगी थी। घर का दरवाजा खोलने पर सैन अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही लियो अंदर जाने वाला था सैन अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है कि घर लौट जाओ। लियो वापस लौट जाता है। इधर वो लीडर काफी गुस्से में होता है क्योंकि सैन ने लियो को जाने दिया था और हाथ आया मौका उसने गंवा दिया। इसी बीच सैन के पास लियो का फोन आता है और लियो कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, वह उसे आधे घंटे में पिकअप करेगा। एक और मौके की आहट पाकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सैन उससे मिलने जाती है। इधर वो ऑक्टोपस पर सैन पर से भरोसा उठ गया था तो इस बार वह लियो का सेफ बनकर खुद उसे मारने जाता है, लेकिन लियो के आदमी उसका कचूमर बना देते हैं। इसके बाद वह वहां से भाग जाता है। वेल वहां पर लियो सैन से ढेर सारी बातें करता है। लियो सैन से बताता है कि वह उसके बिना नहीं जी पाएगा। सैन काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं पर सैन लियो को सब कुछ सच सच बता देती है कि वह उसे प्यार का नाटक करके उसे मारने भेजा गया था। लियो कहता है अगर प्यार एक नाटक था तो अब तक मारा क्यों नहीं। इसी बीच वहीं पर रोलेन आ जाती है जिससे यह सब शायद देखा नहीं जा रहा था। लियो रोलेन से कहती है कि इस लड़की से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान दीजिए। इस पर लियो कहता है कि वह उसे बिजनेस करना ना सिखाए। इतना कहने के बाद लियो रोलेन से सारी बिजनेस डील तोड़ देता है। इधर सैन जब अपने घर पहुंचती है तो वहां सभी लोग उसकी क्लास लेते हैं और उसे लियो को ना मारने का कारण पूछते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उसके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता। ये सब पूछताछ की बातें चल ही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सैन जब दरवाजा खोलने जाती है तो वह सामने देखती है लियो उससे मिलने आया है। इस समय सैन और उसके सभी साथी नेचुरल हालत में पड़े हुए थे। लियो जब सैन को देखता है कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी है, लियो सब कुछ समझ जाता है और उल्टे पांव वहां से भागने वाला होता है। तभी सभी मर्मेट्स उसे बंदी बना लेते हैं और उसे बेहोश कर दिया जाता है। लियो को जब होश आता है लीडर ऑक्टोपस लियो से कहता है कि वह उसकी वजह से उनके लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि उसने समुद्र में सोनार सिस्टम लगा दिया है। इस पर लियो कहता है कि मुझे यहां से जाने दो, मैं सारे सोनार सिस्टम को बंद करवा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के लिए सुनार सिस्टम कितना खतरनाक है। हालांकि लीडर ऑक्टोपस को भरोसा नहीं था कि अगर इसे जाने दिया जाए तो यह बाहर जाकर सुनार सिस्टम को बंद करवा देगा, इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसको यही मार देते हैं क्योंकि यह हम लोगों का हत्यारा है, और अपने ग्रेडिकल से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। वह जस्ट मरने ही वाला था तब तक सैन उसके ग्रेडिकल को कटारी से काट देती है और लियो को वहां से भाग जाने को कहती है। लियो तुरंत पानी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाता है। अब उस लीडर ऑक्टोपस को पूरा भरोसा हो जाता है कि सैन लियो से प्यार करती है। फिर लियो को दिखाया जाता है कि वह एक पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों से मर्मेट्स द्वारा किडनैप किए जाने वाली पूरी घटना बताता है, लेकिन मर्मेट्स का नाम सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और उसके द्वारा बताई गई घटना पर वे लोग विश्वास नहीं करते। फिलहाल लियो पुलिस वालों से इस घटना को गंभीरता से लेने को कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद लियो अपने सेक्रेटरी को उस सारी घटना के बारे में बताता है, लेकिन सेक्रेटरी को भी लगता है कि लियो के साथ कोई केमिकल लोचा हो रहा है और वह साइकाइट्रिस्ट से दिखाने को कहता है। इस पर लियो काफी चिढ़ जाता है। इतने में वहीं पर रोलेन आ जाती है और इस घटना के बारे में लियो को रोलेन का साथ मिलता है। इस पर लियो रोलेन को गले लगा लेता है और कहता है कि वह गलत था। इसके बाद लियो रोलेन के साथ एक कमरे में होता है। लियो कंप्यूटर पर जलपरियों वाली क्लिप्स इंटरनेट से देख रहा था। इसके बाद वह वहां से चल देता है। रोलेन उसे जाने से रोकती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे जाना होगा। इसके बाद लियो अपने लैब में जाता है और वहां एक लड़की से पूछता है कि सोनार चैंबर कहां पर है। दरअसल लियो सोनार चैंबर में सोनार का रेडिएशन चेक करना चाहता था कि किसी भी जिंदा चीज के लिए वो सोनार कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद वह सोनार चैंबर में जाता है और सोनार को खुद पर प्रयोग करने के लिए कहता है। हालांकि लैब एम्प्लॉई उसे इसके लिए आगाह करती है। इसके बाद सोनार को चालू कर दिया जाता है। चालू करते ही सोनार के रेडिएशन से लियो की हालत खराब हो जाती है और वह इशारे से इसे रोकने को कहता है। सोनार को रोक दिया जाता है। इसके बाद एम्प्लॉई उसे कहती है मैंने तो सिर्फ सोनार का 10% ही यूज किया था। उस समय लियो को एहसास हो जाता है कि समुद्र में तो इसका 100% रेडिएशन यूज किया जाता है, फिर जीव जंतुओं का क्या हाल होता होगा। लियो वहां लैब एम्प्लॉई से सोनार को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन सभी एम्प्लॉई उसकी बात पर विश्वास ना करके बल्कि उसे सलाह देने लगते हैं। इस पर वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, सोनार बंद होना चाहिए। हालांकि उसकी यह बात कोई वहां पर मानने के लिए राजी नहीं था। उसी समय रोलेन आती है और रोलेन कहती है मैं लियो के साथ हूँ, सोनार को बंद होना चाहिए। इसके बाद सोनार को बंद कर दिया जाता है। हालांकि लियो को सोनार बंद करवाने में रोलेन का साथ मिलता है जिससे रोलेन पर उसका ट्रस्ट और बढ़ जाता है और इसी के चलते वह सारी चीज रोलेन को बता देता है। वह ये भी बता देता है कि ग्रीन गल्फ के पास टूटे पुराने जहाज में कुछ मर्मेट्स रह रही हैं। इतना सुनते ही रोलेन के तेवर बदल जाते हैं। वह लियो से कहती है इसी का पता लगाने के लिए मैंने तो सिर्फ तुम्हारा यूज किया था। यह सुनते ही लियो और रोलेन के बीच कहासुनी हो जाती है।
जाती है। इसके बाद रोले वहीं पर सीक्रेट लैब में चली जाती है। जब लियो देखता है कि उसकी ही कंपनी में एक सीक्रेट लैब बनी हुई है, लियो उस लैब के बारे में रोलन से पूछता है ये सब क्या है, यह लैब कब बनी और यहाँ सब क्या चल रहा है। रोलन कहती है कि ये सब मेरे लिए काम करते हैं। दरअसल लियो को नहीं पता था कि उसकी कंपनी में यह सब चल रहा था। लियो देखता है वहाँ पर कुछ मेरमेट्स पर रिसर्च चल रही थी। रोलन लियो को बताती है कि रिसर्च के लिए उन्हें जिंदा मेरमेट्स के डीएनए की जरूरत है जिससे वह एडवांस बायो वेपन बना सके। लियो सोचता है कि उसकी वजह से अब सारी मेरमेट्स मारी जाएंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोलन अपनी फोर्स के साथ उन मेरमेट्स का शिकार करने के लिए रवाना हो जाती है। इधर लियो कहता है कि वह हर हाल में सैन को रोलन से बचा कर रहेगा। लियो अपने सेक्रेटरी की गाड़ी लेकर ग्रीन गल्फ की ओर सैन को बचाने के लिए चल देता है। इधर जहाज के अंदर रोलन के आदमी सभी मेरमेट्स को पानी के अंदर ट्रैक कर लेते हैं। इसके बाद रोलन इन सबको गोलियों से भून देने का आदेश देती है। वो सब गोलियां चलाने लग जाते हैं जिसमें कई मेरमेट्स मारी जाती हैं। इधर दिखाया जाता है लियो शहर के ट्रैफिक की वजह से फंस जाता है और अब उसे लगने लगा था कि शायद वह अब सैन को बचाने नहीं जा पाएगा, लेकिन वह सोचता है वह किसी भी हाल में सैन को जरूर बचाने पहुंचेगा। इधर रोलन के आदमी चुन चुन कर मेरमेट्स को मौत की नींद सुला रहे थे। कई मेरमेट्स को वे लोग रिसर्च के लिए जिंदा पकड़कर बैग में बंद कर देते हैं। इस बीच सैन भी पानी से बाहर आ जाती है जिस पर कुछ आदमी झपट्टा मारकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी तरह वह उन लोगों से अपने आप को बचाती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन इतने आदमियों के बीच अपने आप को बचा पाना काफी मुश्किल लग रहा था और एक समय ऐसा भी आता है जब वह काफी ज्यादा जख्मी हालत में पड़ी होती है। इस बीच सबसे बूढ़ी मरमेट सैन को अपनी नेचुरल पावर से बचा लेती है और सभी मरमेट्स को बताती है कि सारे सुनार सिस्टम बंद हैं, सबके सब जहाज से बाहर निकल जाओ। इसके बाद सभी बचे हुए मरमेट्स जहाज से बाहर कूदकर भागने लगते हैं। सैन भी वहां से निकलकर जा रही होती है, लेकिन तभी रोलन के आदमी सैन के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोलन हेलीकॉप्टर से आती है और सैन को टारगेट करके अपनी गन से फायर करती है जिससे सैन उछलकर पानी से बाहर जा गिरती है। अभी वह जख्मी हालत में हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं पर रोलन सैन को गोली मारने के लिए कहती है। जॉर्ज नाम का वह आदमी जैसे ही उसे गोली मारने के लिए रेडी होता है उस समय वहीं पर फ्लाइंग सूट पहने लियो आ जाता है। लियो उन कमांडो से कहता है अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद खुद रोलन उन कमांडो से बंदूक छीनकर सैन को मारने वाली होती है, लेकिन लियो उसे कवर करता है जिससे गोली उसके सूट पर लग जाती है। उसके बाद लियो सैन को उठाकर पानी में डालने जा रहा था, लेकिन तब तक रोलन एयर गन से 3 बार फायर करती है। अब लियो की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और वह वहीं पर गिर जाता है। उस समय सैन लियो से पूछती है कि वह सब ये क्यों कर रहा है। लियो बताता है कि वह सब उसके प्यार के लिए कर रहा है। इसके बाद लियो उठता है और सैन को पानी में फेंक देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है और वहां पर मौजूद रोलन समेत सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लियो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद मूवी में कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहां एक मरीन बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट एक शख्स से मिलने आता है जिसने सारा अपना पैसा पर्यावरण को बचाने के लिए दान कर दिया था, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद लियो होता है जिसे उस हादसे में किसी तरह से बचा लिया गया होता है। वह बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट लियो से मरमेट्स के बारे में पूछता है। इस पर लियो बताता है कि मरमेट्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दरअसल उसके पास एक फोटो भी होता है जो वह लियो को दिखाता है। लियो जैसे ही इस फोटो को देखता है वह उस घटना को याद करके इमोशनल हो जाता है। वह अपनी पत्नी लूसी को बुलाता है और कहता है कि हम और लूसी अब काफी खुश हैं। वैसे लूसी को देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लूसी नहीं बल्कि सैन होती है। तो सैन और लियो उस हादसे के बाद आराम से जिंदगी बिता रहे होते हैं। अब दोनों साथ साथ मरीन एक्सप्लोर करते हैं। तो कैसी लगी ये मूवी की कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से किसी दिल छू लेने वाली मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।